और आज इमरजेंसी की 50वीं बरसी है और इसको लेकर बीजेपी ने तैयारी कर रखी है पूरे देश में। बताया जा रहा है आज काला दिवस के रूप में बीजेपी से मनाने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा संबोधित भी करेंगे कार्यकर्ताओं को। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया है और आज आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर बीजेपी देश भर में काला दिवस से लेकर मनाने वाली है। संसद सत्र के शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया था और इसे काला दिवस बताया था और आज बीजेपी जो है वो पूरे देश में इमरजेंसी की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा संबोधित भी करेंगे कार्यकर्ताओं को। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया है और आज आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर बीजेपी देश भर में काला दिवस से लेकर मनाने वाली है। संसद सत्र के शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया था और इसे काला दिवस बताया था और आज बीजेपी जो है वो पूरे देश में इमरजेंसी की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाने वाली है।